दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कीजिए जानवर दिखे हैं कहीं किसी एक्सपेडिशन पे नहीं, नहीं। उस हाइट पे नहीं होते पता नहीं होते हुए मुझे नहीं दिखे होते कहते हैं लोग के होते हैं कौन क्या स्नो लेपर्ड नहीं पर लेपर, इतनी तो ऊपर नहीं जाए इतनी ऊपर तो नहीं होंगे वो पर कहते हैं लोग बहुत कुछ कहते हैं यतीज होते हैं ये होते हैं हाँ, वो होते हैं तो, हाँ, <laughs> तो मुझे नहीं मिले अभी तक <laughs> आ, मुझे नहीं मिले अभी तक बट देर इज ए वन थिंग जब मेरे को हेलिस्लेशन हो रहा था अन्ना में तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे कवर करके खड़ा है क्योंकि मुझसे ना क्योंकि मैंने गौर मैंने उस टाइम मेरे एकदम फोकस किया कि मुझे ठंड लग रही थी जब तो सब कुछ उड़ रहा है राइट पूरा बर्फ मुझे उड़ता हुआ दिख रहा है राइट लेकिन मेरे बाल अगर यहाँ थोड़े से निकले हुए थे कैप से साइड तो ये उड़ नहीं रहे थे ये मूव नहीं कर रहा और मुझे यहाँ पे हवा नहीं आ रही मेरे आगे से पीछे से दोनों से हवा नहीं आ रहा और उस टाइम हवा का रुख नीचे की तरफ था राइट तो मेरे इससे मुझे ऐसा लगा कि जो कोई मेरे पीछे खड़ा है बैक पे जो रोक के खड़ा है हवा अब ये हेजिस्टेशन का ही एक हिस्सा हो सकता है क्या हो सकता है आई डोंट नो मुझे इसके बारे में पता नहीं पर मुझे इस टाइम ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत सेफ़ हूँ और कोई मेरे पीछे खड़ा है और उनका कुछ नहीं होगा समवर समवन इज देयर ऐसा करके मुझे फील हुआ था आ, एक स्पेशल फोर्सेस के वेट आए थे शो पर आ, उनका नाम है मेजर सुशांत उनके साथ एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट बनाया था यटीज़ के बारे में उन्हें यटी फुटप्रिंट्स मिले थे असली वाले नेपाल में पर आ, वो कहते कि कोई भी एजेंसी या इंडियन मिलिट्री भी यटीज़ को लेकर एक्सपटेशन प्लान नहीं करती क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है पर वो खुद इंडिपेंडेंटली एक एक्सपेडिशन प्लान एक कर रहे हैं अब क्या आपने भी यटीज़ की कहानियाँ सुनी है बहुत सारी सुनी है मैंने कि लोग लोगों ने देखा हो हाँ लोग कहते हैं कि देखा है उन्होंने और देखिए ये ना ऐसा सवाल है कि कुछ लोग विश्वास करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो मुझे अगर कहानियां है तो कुछ तो है हम्म अगर कहानिया देखो कहानियां कभी बेवजह नहीं बनती समझिए आप ठीक है आज तक कहानियां जो भी बनी है किसी ने कुछ ना कुछ किया है तभी बनी है अपने आप से कहानियां नहीं बनती पता है इस पॉडकास्ट के दो मेन थीम है मौत और ये और आज हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आ। रोना आ रहा है। <laughs> खुशी के आंसू <laughs> बताइए के बारे में <laughs> तो आ, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हमारे मतलब जब हमें ट्रेनिंग दे रहे थे तो हमारे उस टाइम में एक उस्ताद थे आर्मी में थे तो उन्होंने भी बताया था कि यति के होते पाँव होते हैं ऐसे बड़े बड़े पाँव होते हैं और एक और चीज़ है आपको शायद पता नहीं उत्तराखंड और मतलब हिमाचल दोनों को देवभूमि कहा जाता है ठीक है तो अब क्या है कि उत्तराखंड में कहा जाता है कि वो परियों का वास है तो हम एक्सपेडिशन करने गए थे वहाँ पर माउंट त्रिशूल के लिए तो मैंने बार गई वहाँ पे मैं और तो वहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्यों उत्तराखंड से थे उन्होंने बोला कि देखो सुनो यहाँ पे ज़्यादा चटकीले कपड़े नहीं पहनना <laughs> यहाँ पे ज़्यादा वो मेकअप मत करना और ज़्यादा चिल्लाना नहीं है शाउट नहीं करना ऐसा ऐसा तो मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं करना सर तो बोला कि यहाँ पर ना परियाँ होती है और अगर परियों को पसंद आ गया कोई तो वो लेके चली जाती है अपने साथ स्वर्ग ऐसा स्वर्ग लोग लेके जाती हैं अब मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या है तो ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में होती है राइट तो हमें एक स्टोरी सुनाया कि एक बार क्या हुआ था कि थे कोई गांव का एक था कोई लड़का उसके ऊपर आज भी बहुत बड़ी नृत्य होते रहते हैं उसके पे पांडु नृत्य बहुत कुछ चलता रहता है राइट तो अब हुआ क्या कि वो जो लड़का था तो वो बहुत अच्छी बांसुरी भी था तो अब क्या हुआ कि शादीशुदा भी था और मे भी शायद कोई लड़की थी शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी दूसरे गांव में राइट और उसी गांव में उसकी बहन की शादी भी हुई थी तो अब क्या होता है कि कोई सीज़न में अगर रुपाई करनी है खेतों में फसल आपको बोनी है तो उस टाइम बहन के हाथों से मतलब लबुआइ शुरू हो है तो अब उसको बहन को लेने जाना था तो वो क्रॉस करता है जंगल और बांसुरी लेके जाता है वो थक जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे बांसुरी बजाता है तो वो बांसुरी बजाता है कि वो अब क्या कि परियों को वो बांसुरी बहुत अच्छी लगती थी वो एकदम उसमें ऐसे मतलब उसके वश में आगे बांध रुके तो वो आती है और उसकी मतलब गोल दारा बना के यानी गोल में ऐसे नाच नाच के उसके साइड में और उसको पता नहीं वो बजा रहा है जैसे वो खोलता दिखता कि परिया डांस कर रही है राइट तो अब परिया उसको बोलते कि तुझे, अब तुझे जाना पड़ेगा हमारे साथ हमें तेरी बांसुरी बहुत अच्छी लगी है तो वो बोलता कि नहीं आज नहीं तो तो बोलता टाइम दे फिर आप कब लेके जाऊँ मैं तुझे तो ऐसा क्या तो वो टाइम देता है कि जब रुपाई हो जाएगी तब मैं जाऊँगा ऐसा करके राइट तो अभी वो क्या करता है वो अपने जाता है अपने गांव में और दूसरे गांव में और दूसरे गांव में फिर अपनी बहन को लेके आता है वो किसी को नहीं बताता कि ये इंसिडेंट हुआ है राइट लास्ट में जिस दिन बुआई मतलब हो जाती है शायद और या, या फिर जोतते हैं खेत तो वो गायब हो जाता है वहां से तो ऐसी स्टोरिया हैं पहाड़ों में पर ये कहा जाता है कि ये ट्रू है तो मे भी कुछ होगा अभी भी लोग मानते हैं आपके साथ कुछ हुआ है कभी ऐसा ऑकल्ट नहीं नहीं ओके फिर फिर से यति के बारे में बात <laughs> तो मेरे को लगता है कि इसके साथ अगर ये स्टोरी है तो आई थिंक यति वाली भी है क्योंकि कहा जाता है यति ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है और पता नहीं उस रात को शायद यति मेरे पीछे था <laughs> मैं भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मैं <laughs> मैं कुछ क्योंकि मुझे मुझे अच्छे से याद है कि मुझे एक आप अब मैं बताती हूँ आप कभी सो जब सोए रहो ना और आपको कोई टुकड़ टुकर देख रहा है तो आपका एकदम से आपकी आंख खुल जाएगी ये होता है हमारे साथ आपको पता लग जाएगा कोई आपके आस है ये आपको होता अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तब भी कोई अगर चुपके से भी आया ना कोई तभी आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं कोई आया है चाहे आपको पता भी नहीं लगा कि लॉक कब डोर कब खुला सेम जब मैं उस टाइम थी वहाँ पर बैठी हुई और मैं दूर से लाइट देख रही थी और मैं टर्न करने कोशिश तो मैं इतना ही टर्न कर पाती हूँ मैं पूरा टर्न नहीं कर पाती पीछे देखने के लिए ऐसा लगे जैसे कोई मुझे पकड़ के रखा मुझे बोला कि टर्न नहीं करना पीछे नहीं देखना ऐसे करके मुझे कोई बोल रहा है मतलब इनडायरेक्टली मतलब ऐसा वाइब्स आ रहा कि पीछे नहीं देखना पीछे नहीं देखना आगे देखना आगे देखना तो मेरे टर्न नहीं हो रहा था तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है अब मुझे नहीं पता वो कौन थे यती थे या मेरा दिमाग का व्याम ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोस भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टी आर एस क्लिप्स हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त